हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके विद पीके में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, या और भी जितने ग्रुप सी की परीक्षाएँ हैं, चाहे कनिष्ठ सहायक हों चाहे भंडारपाल हो, आखिर उनका सिलेबस क्या होता है, उनका जो अंक विभाजन होता है वो किस प्रकार होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जो अंक विभाजन होता है विषय के हिसाब से किस प्रकार होता है, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं जनरल पेपर की। जनरल पेपर यानी जिसमें जितने भी हमारे सिपाही की पोस्ट होती है, कनिष्ठ सहायक की होती है और ग्राम विकास अधिकारी की होती है, भंडारपाल की होती है, सबका सिलेबस एक होता है। आपने देखा भी होगा, अभी चयन आयोग क्या कर रहा है, एक ही पेपर करा रहा है कई पोस्टों के लिए मल्टीपल तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है हमारा सामान्य हिंदी, 20 नंबर की हिंदी आती है उत्तराखंड के एग्ज़ाम में। जो 20 नंबर की हिंदी होती है उसका जो सिलेबस है, सबसे पहला आपका भाषा एवं हिंदी भाषा, मतलब भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, और दोस्तों उसमें एक और ऐड कर लेना आप नेपाली या तिब्बती, क्योंकि ये भी हमारे प्रदेश से सटे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हिंदी में आता है भाषा का विकास और कार्यालय भाषा, मतलब भाषा का विकास संविधान में किस अनुच्छेद में दी है, किस में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं, किस में जो है हिंदी हमारी राजभाषा है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है लिपि एवं वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी में ये भी आता है। दूसरा आपका स्वर एवं व्यंजन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आता है हिंदी वर्तनी, क्योंकि बहुत से शब्द होते हैं हम उन्हें अशुद्ध करते हैं, तो उनकी अशुद्धि छांटने के लिए आता है कि शुद्ध वर्तनी किस शब्द की होती है, विराम चिन्ह आते हैं, और हिंदी के जो अंक होते हैं वो भी आते हैं। उसके बाद है आपका शब्द संरचना, तो जो शब्द संरचना होती है, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग वचन, पुरुष, विशेषण और अलंकार भी इन्होंने ऐड कर दिया है इसमें, और क्रिया विशेषण और कारक, ये सभी महत्वपूर्ण है हिंदी की दृष्टि से। दूसरा है आपका शब्द भंडार, शब्द भंडार यानी तत्सम तद्भव, बहुत इंपॉर्टेंट है तत्सम तद्भव, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा है आपका देशज और विदेशज, यानी जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, आगत शब्द, मतलब आगत और विदेशज शब्द एक ही होते हैं। दूसरा है आपका एकार्थी, अनेकार्थी और विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है आपका संधि, संधि में पूरी संधि आपका टॉपिक पूरा ही इंपॉर्टेंट है। वाक्य परिचय, वाक्य आता है, वाक्य शुद्धि आती है, वाक्य के प्रकार, वाक्य का आशय, परिभाषा सभी पूछते हैं, और मुहावरे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं उत्तराखंड की समग्र की परीक्षाओं की दृष्टि से, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये पत्र लेखन दोस्तों ये नहीं आता है हमारे ग्रुप सी में। तीसरा है इसमें हिंदी, यानी हिंदी का जो जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग है, यानी मीडिया, सोशल मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इनके बारे में पूछता है। दूरदर्शन है, मतलब जो भारत सरकार के हैं क्या, दूरदर्शन और आकाशवाणी वगैरह जो भी है, और हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, मतलब हिंदी टाइपिंग के बारे में भी आपको पूछ सकता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य का परिचय। दोस्तों, हिंदी साहित्य में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है आयोग, सिर्फ जो ये राइटर दिए हैं, कौन से, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रस खान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ये क्या इनके पद के बारे में पूछता है, और वो भी 10वीं एवं 12वीं की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। और जो गद्य की बात करते हैं, राहुल शंकरतयन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसमें मतलब छूट गए जितने भी उत्तराखंड के लेखक हैं, चाहे शैलेश मटियानी हो
हिमांशु जोशी हूँ, जो भी उत्तराखंड की स्थानीय कवि है, स्थानीय लेखक है, उनकी रचनाएं पूछता ही पूछता है आयोग। तो दोस्तों, अगला जो हमारा था टॉपिक वो था सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। तो दोस्तों 40 नंबर का आता है ये, इसमें लगभग 30 नंबर हमारा जीएस रहता है और 10 नंबर में रीजनिंग और कंप्यूटर रहता है। इसके लिए जो आपका सिलेबस है वो होगा, सबसे पहला आता है हिस्ट्री। जीएस में जो 30 नंबर का होता है उसमें हिस्ट्री आता है, लगभग 7 या 8 नंबर का हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन एवं बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैन एवं बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, सांस्कृतिक विकास एवं अन्य पहलू, अरब और तुर्की आक्रमण जो हुए हैं वो, और मध्यकालीन इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। दूसरा है आपका आधुनिक काल। दोस्तों आधुनिक काल में जितना भी मतलब अंग्रेज व्यापारी आए हैं यहाँ पे उनके बारे में पूछता है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में, क्या उनकी प्रशासनिक नीतियाँ रही हैं, कौन गवर्नर रहा है, पहला कौन था, अंतिम कौन था, क्या क्या उन्होंने किया है, क्या एक्ट लाए थे वो कौन से एक्ट थे, क्या उन्होंने सामाजिक सुधार किए हैं, क्या मतलब भारत में क्या स्थिति रही है उस समय की, ये सब पूछता है। ब्रिटिश शासन के बारे में पूछता है, 1857 क्रांति के बारे में पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछता है 1857 क्रांति के बारे में। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, बंगाल का विभाजन, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इतिहास की दृष्टि से। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी आंदोलन हैं, चाहे वो आपका खिलाफत आंदोलन हो, चाहे वो आपका होम रूल आंदोलन हो, चाहे लाहौर अधिवेशन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या कि कुछ भी हो, चाहे आंदोलन जितने भी हैं राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक समय के, सभी आंदोलन आपको क्लियर करने पड़ेंगे। दूसरा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे संविधान में भी और इतिहास में भी, क्योंकि जो हमारा संविधान है भारतीय संविधान, अधिकतम जो उसका हिस्सा लिया गया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में ज़्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आजकल के सिलेबस को देखते हुए, आजकल जो पेपर हुए हैं पहले उनको देखते हुए, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति आदि क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी, क्योंकि विश्व युद्ध जो होते हैं वो भी विश्व के इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा टॉपिक है इसमें ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में ज़्यादा कुछ ना पूछते हुए आता है 5-6 नंबर का या 7 या 8 नंबर का ज्योग्राफी आता है। उसके अंदर का आपका जो विश्व का भूगोल होता है उसमें जितनी विश्व की नदियां हैं, विश्व के ग्लेशियर हैं, विश्व के जलमंडल हैं, समुद्र हैं और धाराएं हैं, तापमान, हवाएं, चक्रवात और जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां, जनजातियां, परिवहन, तापन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं पूछता है। और विश्व के भूगोल में ही आ जाता है आपका सौरमंडल। सौरमंडल आपके ग्रहों के बारे में पूछता है, पृथ्वी के बारे में पूछता है और अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती हैं जो भी, उनके बारे में पूछता है। उसके बाद आता है आपका भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में, भारत के संबंध में, भारत का भौगोलिक परिचय, उच्चावन एवं संरचना, जलवायु प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पशुपालन एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, कृषि, फसलें, खनिज ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या, नगरीकरण, जनजाति, प्रवास, परिवहन, विदेश, व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट, हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन कारण एवं प्रभाव। इसमें दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछा है, वो पूछा है हमारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, चाहे भूकंप ले लीजिए आप, चाहे आपदा ले लीजिए, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूछता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल। अगला है हमारा राजनीति विज्ञान। उत्तराखंड की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, 7 या 8 नंबर का राजनीति विज्ञान पूछा जाता है आपसे। तो दोस्तों राजनीति विज्ञान में सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों में ही आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन
राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी सामाजिक पुनरुत्थान हुए हैं, चाहे सामाजिक आंदोलन हुए हैं, राजा राम मोहन राय हो या महर्षि दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं ये हो, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ, और सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मतलब लगभग जो संविधान के इतिहास के बारे में पूछा है यही लगभग क्या आधुनिक इतिहास में भी पूछता है। तो दोस्तों इतिहास और राजनीति विज्ञान के जो विषय हैं वो लगभग एक जैसे हैं, अगर कुछ अलग होता है तो ये आपके जो अनुच्छेद और अनुसूचियाँ पूछता है ये थोड़ा इतिहास से अलग होता है। नहीं तो देखिए आप असहयोग आंदोलन यानी आंदोलन पूछता है महात्मा गांधी जी के बारे में, एक्ट पूछता है मैंने आपको बता दिया है रॉलेट एक्ट अधिनियम, और महात्मा गांधी का भारत आगमन, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनके आंदोलन हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका जो है भारत की पॉलिटी पर यानी भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, असहयोग आंदोलन सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलू, मतलब जितने भी आंदोलन हुए हैं उनके क्या सकारात्मक रिजल्ट निकले हैं और क्या नेगेटिव यानी नकारात्मक रिजल्ट निकले हैं, इन सब के बारे में पूछता है। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में, और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीज्म यानी गांधीवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए जो कि जनरल पेपर होता है। उसके बाद आपका जो इंडियन पॉलिटी में है वो है संविधान की विशेषताएं, इसमें आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्वधर्म संभाव की अवधारणा, यानी जितने भी आर्टिकल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, तो आपको सभी याद होने चाहिए। उसके बाद संसद, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बनते ही हैं, 7 या 8 क्वेश्चन बनते ही हैं पॉलिटिक्स से, इसमें आपका भारतीय संसद यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण प्रक्रिया आदि महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और है इसमें नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, दल यानी जो हमारी नेशनल और स्थानीय पार्टियां हैं, मतलब जो चुनाव लड़ती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, या जितनी भी राष्ट्रीय या स्थानीय पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टी जैसे हमारा उत्तराखंड क्रांति दल है। और दोस्तों पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में भी पूछता है, कई बार पूछ चुका है समितियों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो दोस्तों ये वही टॉपिक है सेम, त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन, मैंने आपको बता दिया कि समितियों के बारे में पहले पूछ चुका है और अब भी पूछ सकता है। उत्तराखंड का पंचायती राज, दोस्तों टॉपिक चाहे कुछ भी हो, अब देखो अगर पॉलिटिकल है राजनीति विज्ञान तो उत्तराखंड की राजनीति के बारे में भी पूछ सकता है। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम पूछ चुका है, अभी सिलेबस में है, और पिछला जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछ चुका है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उसके बाद है आपका पर्यावरण, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, दक्षिण एशिया की जो समस्याएं हैं, और जो सार्क है, जितने भी संगठन हैं चाहे वो ब्रिक्स हो, सार्क हो, कोई भी संगठन हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, तो दोस्तों अर्थशास्त्र में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, खाली 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन होते हैं। भारत में रोजगार, गरीबी निवारण, आर्थिक नीति, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास समस्याएं, और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है बैंक्स, बैंक्स के बारे में पूछता है, यानी जो यहाँ की व्यापार नीति है, विश्व व्यापार संगठन है, और भुगतान संतुलन है, बैंकिंग के बारे में पूछता है, किस बैंक का गठन कब हुआ, कब स्थापना हुई, कब उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सब प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। दूसरा है करंट अफेयर, करंट अफेयर में आपको जो हाल ही में पब्लिश पुस्तकें होती हैं वो देखनी पड़ती हैं, और जो वैज्ञानिक प्रमुख खोजें करते हैं यानी जिनको अवार्ड वगैरह मिलता है वैज्ञानिक खोजों के लिए, भारत रत्न या वर्ल्ड में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो वाले वैज्ञानिक पूछे जाते हैं क्या उन्होंने खोज की या कौन थे वो। दूसरा आपका प्रमुख पुरस्कार जो प्राइज दिए जाते हैं, भारतीय रक्षा व्यवस्था यानी सैन्य व्यवस्था जो भी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कंप्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, इसके बारे में जो करंट अफेयर होता है यानी समसामयिक घटनाएं जो भी होती हैं,
चाहे हमारी टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो, चाहे हमारी मीडिया से संबंधित हो, जो भी ये घटनाएं होती हैं हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा उत्तराखंड, जो कि कुल 40 नंबर का है। दोस्तों, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ 40 अंक यानी 40 नंबर का उत्तराखंड आपका आना ही आना है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड में आता क्या क्या है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे पहले आपका भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का स्थिति विस्तार, पर्वत चोटियाँ, नदी नाले गदेरे जितने भी हैं आपको सब याद करने पड़ेंगे, और जितने भी यहाँ के मृदा संसाधन है, जनसंख्या है। उसके बाद आपका इतिहास, इतिहास में चाहे कत्यूरी शासन हो, चंद्र शासन हो, गोरखा शासन हो, पवार शासन हो, चाहे कुछ कोई सभी वंश हो, कोई सभी सम्राट हो, कोई सभी राजा हो, आप कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 40 नंबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं और 40 नंबर का उत्तराखंड आता है। दोस्तों, आपको कत्यूरी काल से लेकर स्वतंत्रता तक पूरा इतिहास उत्तराखंड का पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जितने भी उत्तराखंड में आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई सा भी आंदोलन हो। कुली बेगार आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, डोलापाल के आंदोलन, चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका उत्तराखंड के जितने भी जल स्रोत हों, चाहे नदियाँ हों, ग्लेशियर हों, नौले हों, गाढ़ गदेरे, कुछ भी हो चाहे, वो आपको सभी याद करने पड़ेंगे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था यानी जो यहाँ की कृषि है, मुख्य फसलें हैं, जो यहाँ की परंपरागत फसलें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो सब आपको करनी पड़ेंगी याद। दूसरा है आपका उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष यानी यहाँ की परंपराएं, रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, शिल्प, लोक कला और लोक संगीत, यानी जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो आपका गहनों की बात करें, आभूषणों की बात करें, बोली भाषा की बात करें या लोक नृत्य की बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सांस्कृतिक पक्ष भी। उसके बाद है उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जननांगिकी। तो दोस्तों, जमींदारी उन्मूलन और भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में बहुत हो चुके हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, पिछली परीक्षाओं में भी इनके बारे में पूछा जा चुका है। तो भू बंदोबस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पक्ष है वो है राजस्व पुलिस, राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी उत्तराखंड के जो 61% पे पुलिस व्यवस्था लागू है, राजस्व पुलिस, वहाँ पे सिविल पुलिस नहीं है। तो दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, पर्यटन में पर्यटन स्थल आपके और पर्यटन की जो भी चीज़ें हैं यानी जो भी स्थल हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, चाहे कोई से भी यात्राएं हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उत्तराखंड की पर्यटन की दृष्टि से। और दोस्तों, दूसरा है इसमें पर्यावरण यानी उत्तराखंड का जो पर्यावरण की दशा है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है और यहाँ की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, खासकर यहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ भूकंप की दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव है उत्तराखंड। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड। उसके बाद आपका राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनाएं। तो दोस्तों, योजनाएं परीक्षाओं में पूछता है और पहले भी पूछी हैं और अब आगे भी पूछेगा, मतलब योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े तथा उनसे संबंधित विषय, यानी सांख्यिकी आंकड़े आपका जो भी उत्तराखंड सरकार 10 साल में, 5 साल में या 1 साल में जारी करती है, चाहे वो लिंगानुपात के आंकड़े हो, जनसंख्या के आंकड़े हो या चाहे कोई से भी आंकड़े हो, आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपका जैव विविधता यानी उत्तराखंड में जैव विविधता यानी जो भी आपके नेशनल पार्क वगैरह हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं या अभयारण्य हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनकी स्थापना पूछ सकता है, उनका क्षेत्रफल पूछ सकता है, उनकी विशेषताएं पूछ सकता है और अन्य विविध विषय यानी उत्तराखंड के जो भी विषय हैं, उत्तराखंड की संस्कृति संबंधित हो, चाहे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति संबंधित हो, सभी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण विषय हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा उत्तराखंड जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान रखता है हमारी उत्तराखंड की परीक्षाओं में। अब अगला है दोस्तों, सबसे लास्ट है हमारा रीजनिंग। देखो दोस्तों, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम में,
रीजनिंग के क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन होते हैं, कभी अगर हो सकता है 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 7 या 8 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते रहते हैं। अब दोस्तों जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 7-8, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं वो। अब देखो ये दोस्तों सिलेबस दिया तो है लेकिन ऐसा उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो रहता है आपका श्रृंखला, श्रृंखला रहता है। और दोस्तों नेक्स्ट है उसमें गणितीय संक्रियाएं और वर्णमाला परीक्षण और आपका क्रम व्यवस्था प्रशिक्षण और दिशा ज्ञान परीक्षण, दिशा वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कैलेंडर आता है और कथन एवं निष्कर्ष भी आते हैं, और दोस्तों शब्द निर्माण आता है, रक्त संबंधी परीक्षण आता है। इसमें ज़्यादा ही दिया है लेकिन इतना आता नहीं है जो मैंने आपको बता दिया है। इम्पोर्टेंट है एक तो श्रृंखला यानी सीरीज, दूसरा आपका गणितीय संक्रियाएं, तीसरा आपका वर्णमाला और आपका सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, ज्ञान दिशा परीक्षण और आपका ये है क्या बोलते हैं इसको, समस्या समाधान और पहेली